हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल जिसका नाम है टेक फैक्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो के बारे में, जो कि अब थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। कल जियो ने अपनी 43rd एनुअल जनरल मीटिंग की है, जो कि उन्होंने डिजिटली की है। इस वीडियो में मैं आपको जियो की मीटिंग में डिस्कस किए गए 7 से 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी रैप अप करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जियो मीट के बारे में, जिसके थ्रू ही मीटिंग भी हो रही है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी जियो मीट को रिलीज हुए कुछ ही टाइम हुआ है और इसे 5 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ये जियो का एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्लाउड स्टोरेज यूज करता है। इस सॉफ्टवेयर में आप ग्रुप में वीडियो चैट कर सकते हैं, जैसे कि पहले लोग जूम जो ऐप है वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसे देखते हुए इंडिया ने एक अपना वर्जन निकाला था जो कि जियो की तरफ से निकाला गया था, जिसे जियो के वर्कर्स ने 2 महीने के अंदर अंदर बना के रहने की। जो जियो है वो एक बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और इसके साथ कई नए ब्रांड भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कई जुड़ भी चुके हैं। बड़े बड़े ब्रांड जो है वो जियो के साथ जुड़ चुके हैं। और जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो इन्हीं से रिलेटेड, जियो में काफी नई बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, जिनमें से कुछ बड़े नाम है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड मैनी मोर। गूगल ने 33,737 करोड़ रुपीज जो है जियो में इन्वेस्ट करें, और अगर हम सारे ब्रांड्स का एक मिला लें कितना इन्वेस्ट होगा, तो ये अराउंड 1,52,056 करोड़ के आसपास है, जो कि एक काफी बड़ी अमाउंट है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जियो ने कहा है कि वो इंडिया में जल्दी 5G नेटवर्क लेकर आएगा। 5G नेटवर्क के इंडिया में आने से इंडिया की डेवलपमेंट काफी जल्दी होगी और 5G नेटवर्क के बहुत सारे फायदे हैं हर फील्ड में, जैसे कि इससे रोड एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, ये जो है आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करके पहले ही कार की ब्रेक लगा देगा, या जो एयर बैग्स होती है कार के आगे वो अपने आप निकल आएंगे आसपास के एनवायरनमेंट को। इससे एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जो कि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इसके काफी फायदे होंगे, लोग घर बैठे बैठे ही अपना इलाज वीडियो कॉल के थ्रू डॉक्टर से बात करके करवा सकते हैं। और COVID-19 जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, उसमें तो ऐसे डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। जो अगला पॉइंट है वो है जियो के सेटअप बॉक्स के बारे में। कुछ टाइम पहले जियो ने अपना सेटअप बॉक्स लॉन्च किया था पूरे इंडिया में, जिससे आप अपने जो टीवी आपका स्मार्ट नहीं भी है उसे भी स्मार्ट टीवी बना सकते। अब उसका सेकंड वर्जन जो है वो जियो ने लॉन्च किया है, जियो टीवी प्लस। जो जियो टीवी प्लस है, इसका मेन फीचर ये है, ये सभी एप्स जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, अमेज़न हो गई, हॉटस्टार, सोनी लिव एंड ऑल दी अदर एप्स, ये सभी के डाटा को एक ही वॉल पे डिस्प्ले करेगा। और इसका फायदा ये होगा कि हमें हर प्लेटफॉर्म का अगर से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, जैसे कि हम आजकल नेटफ्लिक्स का अलग से पे करते हैं, अमेज़न का अलग से, हॉटस्टार का अलग से, डिज्नी प्लस, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है और भी हैं, एरोस नाउ, इनका हमें पे करना पड़ता है। पर ये सबको एक ही जगह इकट्ठा करके हमें एक ही रजिस्ट्रेशन बस करवानी पड़ेगी, वो भी अगर आप चाहे मंथ के लिए या एनुअल के लिए, वो डिपेंड करता है कौन से प्लान लेकर आते हैं। अगर बजट के अंदर ये सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और इससे हम अलग अलग बार बार लॉगिन करने के चक्कर से भी बच जाएंगे, इतनी आईडीज भी नहीं याद रखनी पड़ेंगी। कुछ स्मार्ट टीवी ऐसे होते हैं जिसमें हमें सभी ऐप देखने को नहीं मिलती है, पर जियो का जो ऐप स्टोर है, जो जियो के सेटअप बॉक्स में जियो टीवी प्लस में हमें देखने को मिलेगा, उसमें हम सभी तरह की एप्स को इंस्टॉल कर सकेंगे अपने टीवी अपने सेटअप बॉक्स में। अगला पॉइंट है जियो क्लास। जैसे कि गूगल ने भी अपने क्लासेस कुछ टाइम पहले लॉन्च किए थे, जो कि फ्लॉप ही रहे थे एक हिसाब से, पर अब जियो ने भी अपने क्लासेस लॉन्च किए हैं, जो कि दिखने में जैसे आप देख सकते हैं एक नॉर्मल क्लासेस की तरह ही लगते हैं, जैसे पोलराइज सनग्लासेस आम मार्केट में मिलते हैं, पर इनके पीछे बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिक काम कर रही है। जैसे कुछ टाइम पहले हमें VR देखने को मिले थे, जो बड़े से हम अपनी आंखों के आगे लगा लेते थे अपने फोन को बीच में स्लाइड करते थे, तो वैसे ही ये सनग्लासेस हैं, उसमें हमें हेडफोन अलग से लगाने पड़ते थे, इसमें इनबिल्ट है, इसमें हम एक साइड पे केबल लगा सकते हैं जिसे हम अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये इंटरनेट हमारे फोन से एक्सेस करेंगे और हम जियो क्लास के पूरे फीचर्स एंजॉय कर पाएंगे। ये एजुकेशनल फील्ड के लिए एक बहुत ही बढ़िया गैजेट है, जिससे स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे ही काफी कुछ सीख सकते हैं। आप घर बैठे बैठे जैसे जो VR बड़े बड़े आते थे, उसमें हम आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि रोलर कोस्टर का लोग मजा लेते हैं, कभी गिरते हैं, कभी कुछ, उन्हें लगता है कि वो वही रोलर कोस्टर में राइड कर रहे हैं, ये उसके बराबर का ही रहेगा।
इसका जो वेट है वो सिर्फ 75 ग्राम है, जो कि बहुत लाइट वेट है। और जियो ने ये दावा किया है कि इसके जो ग्राफिक्स होंगे वो काफी अच्छे होंगे। चलो अब देखते हैं ग्राफिक्स कैसे निकलते हैं। और इसका प्राइस जो है वो मैटर करता है कि वो इतना ज्यादा ना हो कि लोग खरीद ना सकें। इसका एक और फीचर आप 2D कॉल तो कर ही सकते हैं क्योंकि इसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं, इसमें आप 3D कॉल भी कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जियो मार्ट, जो कि एक लोकल किराना स्टोर्स के लिए बहुत ही अच्छा फीचर है। जो लोकल किराना स्टोर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, होम डिलीवरी उनकी कर सकते हैं। इनके लिए उनको बस जियो मार्ट के साथ एक छोटा सा टाई अप करना पड़ेगा। जियो मार्ट वाले खुद उनकी शॉप पर आएंगे और सारी सेटिंग करके देंगे। इससे फायदा दुकानदार को भी होगा और कस्टमर को भी होगा। जो दुकानदार है वो भी घर बैठे बैठे जियो मार्ट से अपना सामान अपनी दुकान तक मंगवा सकता है, और जो कस्टमर है वो भी घर बैठे बैठे शॉप से अपने घर में होम डिलीवरी अपने सामान की करवा सकते हैं जियो मार्ट की ऐप के। इसके लिए जियो ने फेसबुक के साथ, जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप किया, तो जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक के अंदर आते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू ये सारा बिजनेस ऑपरेट होगा। आप जैसे व्हाट्सएप में अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या जियो मार्ट की ऐप के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके घर आपके प्रोडक्ट की होम डिलीवरी होगी। और इससे कस्टमर को फायदा ये होगा कि कस्टमर को काफी सारे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, जिससे दुकानदार की सेल भी बढ़ेगी और जो कस्टमर है उससे भी कुछ पैसों का फायदा होगा। और जैसे हालात आजकल चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो घर बैठे बैठे अगर आपको सामान मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। और इसमें एक ऑफर ये भी है कि जब आप अपना पहला ऑर्डर इससे प्लेस करोगे तो आपको एक COVID-19 की किट साथ में फ्री मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें आपको जरूरत का सारा सामान जैसे ग्लव, सैनिटाइजर एंड मास्क फ्री में मिलेगा। अगला पॉइंट है जियो ने कहा है कि वो 5G स्मार्टफोन इंडिया में जल्द ही लेकर आने की कोशिश करेगा। ये साल तो आधे से ज्यादा निकल चुका है और अगले साल तक जियो ने कहा है कि वो 5G स्मार्टफोन इंडिया में ले आएगा। वैसे तो 5G स्मार्टफोन इस टाइम मार्केट में है और वो काफी कॉस्टली है। अब अगर जियो उनसे कम दाम में यहाँ पे 5G स्मार्टफोन लेकर आए तो उन्हें कुछ फायदा होगा और जो इंडियन कंज्यूमर है उसे भी फायदा होगा। स्मार्टफोन के प्राइस को कम करने के लिए जियो ने गूगल के साथ टाई अप किया है और गूगल के साथ मिलकर जियो जो है वो ऐसा एक एंड्रॉइड सिस्टम बना रहा है, OS सिस्टम, जो कि 5G स्मार्टफोन को सपोर्ट करे और कम कॉस्ट में बन जाए और जिससे स्मार्टफोन की भी वैल्यू इतनी हाई ना जाए। रिलायंस ने ये भी कहा है कि जैसे ही कोई भी COVID-19 की वैक्सीन जैसे ही मार्केट में आएगी वो देश के कोने कोने में पहुंचाने में गवर्नमेंट की पूरी मदद करेंगे अपनी तरफ से। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वीडियो खत्म करूंगा। जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें क्योंकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय।